हेलो दोस्तों, तो यार मेरा नाम है कमल और दिस वीडियो रिगार्डिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस कि भैया यूजी पीजी का क्या अपडेट है। हालांकि पीजी के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, थर्ड लिस्ट जो है ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई है। जिन लोगों ने जो अभी तक चेकआउट नहीं किया है वो चेक कर सकते हो COH.ac.in पे जाके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से जो पीजी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है थर्ड लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन भी बच्चों का जो है अगर सिलेक्शन हो गया है तो जो है आपकी काउंसलिंग फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 6 नवंबर। तो आप लोग जो है 6 नवंबर तक जरूर से पेमेंट कर दो। उसके बाद अगर आपकी अगर सीटें बचती हैं तो 7 नवंबर को जो आपकी वैकेंट सीट मैट्रिक्स रिलीज की जाएगी। उसके बाद जो है ओपन काउंसलिंग, फिजिकल काउंसलिंग जो भी होती है ऑनलाइन और ऑफलाइन वो आपको जो है बता दिया जाएगा। और जो है 11 तारीख को ये जो ओपन काउंसलिंग कंडक्ट होगी, हो सकता है ये ऑनलाइन हो, मीट पे हो, गूगल पे हो, जूम पे हो, जो भी हो। अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं किया गया कि ये ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। हालांकि फिजिकल काउंसलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, सो वो देखते हैं आने वाली फ्यूचर में क्या होता है। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, मेजोरिटी कोई अपडेट नहीं है। ये लिखा गया है कि 11 तारीख को ये कंडक्ट होगी और जो आपकी जो क्लासे हैं वो 14 नवंबर से स्टार्ट होगी पीजी वाले बच्चों के लिए। अब बात करते हैं यार यूजी वाले बच्चों के लिए क्या प्रोसेस है। तो यार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है रिगार्डिंग द यूजी क्लासेस कि आपकी जो क्लासेस है यूजी वाले स्टूडेंट के लिए वो यार 7 नवंबर मंडे से स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी न्यू बैच है वो 7 नवंबर मंडे से अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। स्पेशली आप लोगों को इसके रिगार्डिंग ईमेल भी आ चुका होगा एंड जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आपको ये नोटिस दे दिया गया है। यूजी स्टूडेंट न्यू बैचेज स्टार्ट फ्रॉम द 7 नवंबर 2022। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जिस प्रकार से यहाँ पे जो है 31 अक्टूबर को ओपन काउंसलिंग कंसिडर किया गया था, जिसके अंदर जो है बहुत सारे बच्चों ने ओपन काउंसलिंग में मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल आए कि भैया हमने बी वॉक में जाके देखा, वहाँ पे ना कोई अच्छी फैकल्टी, ना अच्छे टीचर, ना अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट का, तो हमें जो एडमिशन नहीं लेना, हमें एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो है बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन देख के आए, उन्होंने सीटें भी छोड़ी, राइट। तो जो सीटें छोड़ी उनका क्या प्रोसेस रहेगा, तो यार इसके लिए जो आप डिपार्टमेंट के HOD से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हालांकि जो सभी डिटेल वेबसाइट पे दे दी गई है, ठीक है, आप उनको ईमेल डाल सकते हो, अपनी डिटेल दे सकते हो। यहाँ पे जो है दिया गया है ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्ट टू सबमिट द स्टेटस ऑफ जो भी है, ठीक है, अगर कोई भी सीटें वैकेंट रहती है तो। और जिन भी बच्चों को अभी तक एडमिशन नहीं मिला है वो हमारी एक्सपर्ट गाइडेंस में एनरोल कर सकते हैं, पेड काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं, जहाँ पे जो आपका हम कंप्लीट एडमिशन कराते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन हाँ आपका कंप्लीट एडमिशन हम करा देते हैं और जिसके कोई ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर या व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज ऐसे हैं जहाँ पे जो है डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ कुछ सीटें वैकेंट रहती है, तो वहाँ पे जो है स्पेशली आपका बी फार्मा, बी टेक, CSE, इलेक्ट्रिकल, ECE, मैकेनिकल एंड मेनी मेनी जस्ट लाइक ब्रांचेज आपकी अवेलेबल रहती है, तो जो आपका वहाँ पे एडमिशन करा दिया जाता है। उसके लिए जो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, हम कुछ चार्जेस पे लेते हैं लेकिन ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं होता, आपका कंप्लीट एडमिशन 2000 के अंदर करा दिया जाता है। साथ में जो आपको जो है एक्सपर्ट गाइडेंस एंड लाइव सपोर्ट 24 hours भी हमारी टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आपको जो है सारे के सारे कॉलेजों के अपडेट दी जाती है, स्पेशली PG, UG जो भी कैंडिडेट है। एंड साथ में जो है CUT ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के जरिए आपको जो है सब अपडेट भी पहुँचाई जाती है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की अगर मैं बात करूँ तो यार बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने अपने ओपन काउंसलिंग करना कंडक्ट कर दिया, जैसे स्पेशली कर्नाटका एंड अदर जितने भी कॉलेजेज हैं ईमेल भी आते हैं। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों की तरफ से आपको ईमेल भी आ रहा होगा अभी इस टाइम पे, प्राइवेट की तरफ से भी ईमेल आ रहा होगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग बंद कर दी गई है, ऑफलाइन काउंसलिंग के अंदर जो आप ऑफलाइन आ सकते हैं ये लास्ट डेट है, यहाँ तक आप 20 तारीख को यहाँ पर आ जाइए। तो इन सब बातों का सारे के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से यूजी वाले बच्चों के लिए नोटिस आया है प्रोफेसर दिनेश कुमार डीन एकेडमिक अफेयर्स की तरफ से 3 नवंबर 2022 को, क्लासेस ऑफ न्यूली एडमिटेड यूजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बैच 2022 न्यू बैच विल बी कमेंस फ्रॉम द 7 नवंबर मंडे 2022, दिस इज बींग इश्यूड विद अप्रूवल ऑफ CA, ठीक है। तो ये जो भी है एकेडमिक अफेयर्स के जो भी डिपार्टमेंट है उनका नोटिस आया है डीन का, जो भी इनका एकेडमिक डिपार्टमेंट है, आपकी जो क्लासेज है वो 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है।
तो यार मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, आपने इतना स्ट्रगल किया है और फाइनली आपको क्लासे लगाने का मौका मिल चुका है। जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर की प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी की क्लासे ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, तो अपने बैग बस्ते हॉस्टल के लिए सामान लेके निकल चलो, ठीक है, और अब पढ़ाई करो यार, ठीक है, बहुत मौज मस्ती कर ली। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आपने 10th में होंगे तो शायद घर वाले ऐसे ही बोलते होंगे कि यार बस 10th कर ले, उसके बाद मजे ही मजे। उसके बाद यार हमारे पास दो मेजोरिटी ऑप्शन आते हैं, ठीक है, कॉमर्स, बायोलॉजी, साइंस। फिर घर वाले में बोलते हैं कि 12th कर ले, उसके बाद मजे ही मजे हैं। उसके बाद जैसे ही हम कॉलेज में आते हैं बोलते हैं डिग्री ले ले, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद सब लाइफ सॉर्टेड है। जब डिग्री करते हैं बोलते हैं भैया गवर्नमेंट जॉब ले ले, उसके बाद मजे ही मजे हैं। और जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उसके बाद भैया अब मजे मजे, ठीक है, थोड़ा जीवन काट ले, उसके बाद मजे मजे, उसके बाद हम भगवान के पास चले जाते हैं, बस मजे मजे। इस प्रकार से लाइफ पूरी ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीनी है। एंटरप्रेन्योर बनो भाई, स्ट्रगल करो, यूट्यूबर बनो।